कोई आदमी यहाँ का पानी नहीं पी पी पाता, जैसे वहाँ पानी बह रहा है वहीं का आदमी पिएगा, यहाँ आस पास का कोई पानी नहीं पीता। तो इससे जो इसके जलचर हैं मछली वगैरह और उन पर भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा ही, जब गंदा पानी है तो असर क्यों नहीं पड़ेगा। सूचना अधिकार में नगर पालिका के शासी अधिकारी ने बताया कि नदी में 3 नाले शहर के गिरते हैं, जिसमें मानव अवशिष्ट और मानव का जो तमाम कचरा है मलमूत्र उसी में जीवनदायी नदी केन में जाता है। 20 लाख की आबादी को पानी पिलाने वाली ये नदी किसानों की सिंचाई का एकमात्र साधन बांदा में है। आइए आपको लिए चलता हूँ केन के किनारे आगे किसानों के पास, जो बताएंगे कि केन की मृत्युशैया का जिम्मेदार कौन है। यही गंदगी है, मान लीजिए पहले पानी कम हुआ तो आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले नदी कैसी थी? बहुत बढ़िया शुद्ध पानी था उसका। तो आपके जैसे ऐसे कितने किसान हैं जो नदी किनारे खेती करते हैं? तो ये कम हो गया, नहीं यहाँ से पूरा लगता था इस पार ना उस पार, बालू ही नहीं निकली इस साल। अच्छा, उसका कारण क्या रहा? कारण यही है, मान लीजिए खदाने चल रही है, ज्यादा खदाने, ज्यादा खदाने चल रही है, पानी से निकाल लिए जा रहे हैं। अब मान लीजिए इस साल ये पड़ा है, कहो ये भी ना पड़े, गहराई हो जाए। आप खेती करते हो नदी किनारे, इसमें कौन कौन सी फसलें करते हो? बस लौकी, कद्दू है, ककड़ी है, करेला है, बस यही होती है। और खरबूजा तरबूज वगैरह भी करते हो? नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता। उसका कारण क्या है? यही है, गंदगी का कारण है और क्या। तो आपकी मछली से जो आपका जीवन यापन चलता था उद्योग से, और जो पहले आप यही पुश्तैनी काम करते थे, उस पर किस प्रकार के प्रभाव हुए? पानी गंदा है, ये मछली वछली कोई मिलती है यहाँ पे, मछली रुकती ही भी नहीं है। उस प्रकार से ये है कि ये पानी पूरा मतलब मटमैला आता है, जैसे बालू निकाले तो गंदा पानी हुआ वो यही बह के आता है यहाँ पे, और ये गंदा नाला है जो वो भी इसी में मिल जाता है पूरा। तो खनन से नदी के ऊपर क्या असर हुआ? मान लीजिए आप पानी से निकाल रहे हैं, मिट्टी है कहीं की भी ले जाएंगे तो क्या दोबारा थोड़ा पुर जाएगी, वो तो गहराई होती जाएगी। ये अच्छा, नदी की जलधारा भी ये लोग बांध लेते हैं? हाँ, बांधा ये देख लीजिए, कहीं भी पानी नहीं बह रहा चाहे जहाँ से आप। और दुनिया का एकमात्र पत्थर शजर स्टोन इसमें पाया जाता है। शजर की कभी 34 फैक्ट्रियां बांदा में हुआ करती थी, जो आज महज 4 रह गई हैं, उसका एक बड़ा कारण है यहाँ पर बेतरतीब खनन उद्योग का पनपना। खनन उद्योग से जहाँ यहाँ के जलचर, डॉल्फिन, आपका घड़ियाल इत्यादि खत्म हो रहे हैं, वही शजर स्टोन का उद्योग भी बेदम हो रहा है। लगभग कितनी खदानें ऐसी चल रही होंगी नदी में? अरे बहुत, कम से कम 50 खदानें इसी में है, मान लीजिए 3 खदानें तो इसी में है, फिर पुल के नीचे आप चले जाइए 10-20 खदानें उधर है, दर्दा है, मान लीजिए ये सब। एनजीटी के सख्त निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कहता है कि बहती हुई जलधारा में नदी के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है अपशिष्ट नहीं बहाया जाएगा, किसी प्रकार का सीधा नाला नहीं गिराया जाएगा। देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग तरह की कार्रवाइयां नदी पर नाले गिराने के लिए हुई हैं, लेकिन बुंदेलखंड के बांदा में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई तो छोड़िए, नगर पालिका के पास में वाटर ट्रीटमेंट प्लान भी नहीं है कि वो जो है इन 3 नालों को जो है किसी तरह से डाइवर्ट करके नदी में गिरने से रोक सके।